अभी मुंबई ऐरोली के भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक गणेश नाइक के साथ ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सुधाकर सोनवने और भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक गणेश नाइक ने ऐरोली की दीवा जट्टी से अपने दौरे की शुरुआत की और जिसके बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। साथ ही ऐरोली के कटाई एलिवेटेड रोड और ऐरोली सेक्टर 3 में बन रहे अग्निशमन केंद्र और उनकी विधायक निधि से ऐरोली के राजमाता जिजाऊ अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया। आइए देखते हैं गणेश नाइक ने क्या कहा। आज मैंने यहाँ के ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, अपने भूतपूर्व महापौर सुधाकर जी सोनावने, भूतपूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आनंद सुतार, अपने यहाँ के नगर सेवक अशोक पाटिल, इनके समेत और कार्यकर्ता के समेत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक को यहाँ पे विजिट किया। लेकिन यहाँ का कारोबार देख के हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जो लोगों के मन में है वो जो कुछ वातावरण निर्माण नज़दीक के कालखंड में होना है यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ पे जो गुमास्ते नाम के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग मार्च तक इसका पूरा बंदोबस्त करेंगे, मींस टोटल कुछ काम बाकी बच्चे का नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो काम का पूरा पेंडेंसी देख के ये काम के लिए आज के बाद कम से कम 8-1 महीना लगेगा और उसके लिए भी प्रॉपर हर 8 दिन में उसका रिव्यू लेने की ज़रूरत है। टाइम बाउंड कार्यक्रम करने के लिए कितनी लेबर स्ट्रेंथ लगेगी, क्या मटेरियल लगेगा, उसका पर हावर के तक ढंग से कैसा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। और आज के तारीख में जैसे पहले या के पहले प्रथम विधायक संदीप नायक ने 50 लाख का निधि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के लिए दिया था, आज मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे आमदार निधि से 50 लाख का निधि ये स्मारक के लिए मैं जाहिर कर रहा हूँ और जल्दी वो महापालिका के अकाउंट में जमा करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को मैं पत्र लिख। वो जेटी के भी हम लोगों ने विजिट किया, उधर देखा तो वाकई जो परिस्थिति है बहुत भयानक है। जब हाई टाइड आते हैं यानी भर्ती आती है उस टाइम में लोग जा सकते आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मैंने उनको सूचित किया है कि भाई जहाँ पे 24 आवर्स बोट से यानी छोटे बोट से पड़ाव से लोग आया जाया करेंगे, ऐसी वहाँ तक सॉलिड जेटी बनाओ, फ्लोटिंग जेटी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मीन वो काम में आने वाली नहीं है। साथ ही साथ उधर शौचालय का बंदोबस्त, उधर पानी पीने का बंदोबस्त, वहाँ पे दीवा बत्ती का बंदोबस्त, आगे चल के यदि फिशरमैन लोग गहरे समुद्र में जाए तो वहाँ से यदि फिश लाए तो रखने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज का भी बंदोबस्त, और वो जेटी के लिए भी 25 लाख का मैंने अनाउंसमेंट किया कि आमदार फंड से दिया जाएगा, और फिर जैव विविधता जो सेंटर है उसके लिए 25 लाख का आमदार फंड से वहाँ पे निधि देने का मैंने जाहिर किया है। अभी कलेक्टर को पत्र लिख के वो पैसा पैसा आएगा वो हम देखेंगे, और दोनों काम उसके लिए फिर से और 15-20 दिन में फिर से मीटिंग लेने वाले हैं। अपन एक 1.5 महीना पूर्वी हॉस्पिटल विजिट केली होती, त्यावेळा इथे चुनाबिना मारून मार्किंग सुरू झाले होते, आणि 1.5 महिन्यानंतर आज आलो तर आज ऑक्सिजन प्लांट त्याचं इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे, बाजूला जनरेटरचं पण फिक्सेशन झालेलं आहे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन बाकी आहे। दिवाळीच्या दिवशीच सदर आसपास याचं उद्घाटन होईल, याकरता 1 कोटी रुपये आमदार निधीतून मी दिलेले आहेत। आता मी आता आपल्या महापालिकेच्या अधिक वर्गाला सांगितलं की इथे ब्युटिफिकेशन करा जेणेकरून आणि त्याची सिक्युरिटी चांगली ठेवा, कारण ऑक्सिजन प्लांटमध्ये कोणी येऊन मिसलीप करता कामा नाही, आणि ते आता होतं या गोष्टीचा आनंद आहे। त्याचं कनेक्शन हॉस्पिटलच्या आतमध्ये असणार आणि तिथे त्याचं कंट्रोल, इथं पण कंट्रोल असणार पर तिथून पण कंट्रोल केलं जाईल, जसे पेशंट जसे असेल त्या पद्धतीनं तो सोडला जाईल।
नाही नाही बाब अशी की जर गरज पडली तर आणखी निधी पण आपण देऊ, आणि जर का इथे जर तेवढंच कन्झम्पशन नाही झालं तर सिलेंडर फिलिंग करून अन्य आपल्या छोट्या छोट्या असलेल्या हॉस्पिटलच्या युनिट्स आहेत त्या ठिकाणी इथून ऑक्सिजन जाईल याचा आपण बंदोबस्त करू. ऐरोलीवरून पारसी डोंगरातला उपजा करून एलिव्हेटेड जो काटेला जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याचा वापर नवी मुंबईतील जनतेला दोन्हीकडे जाण्याकरता व्हावा, म्हणजे ठाणे बेलापूर रोडवरून अशा प्रकारचा आम म्हणजे अशा प्रकारचा तिथे रस्ता तयार व्हावा की काटेकडे जाताना सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी मर्ज होता आलं पाहिजे आणि मुलुंडकडे जाताना सुद्धा मर्ज व्हायला पाहिजे. या बाबतीमध्ये त्यांचे MMRDC अधिकारी आणि त्यांचे डिझायनर यांच्याशी माझी बोलणी झाली आणि त्यांना मी एक महिन्याची मुदत दिलेली, एक महिन्याच्या आतमध्ये या बाबतीमधलं तुमचं तुम्ही तशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे असं जर आम्हाला पत्र नाही मिळालं तर आम्ही त्या एलिव्हेटेड रोडचं काम बंद करू. एक त्याचबरोबर आपल्या बेलापूरच्या मुख्यालयापासून बांबीज मार्गे नंतर मग ठाणे बेलापूर रोडवर येताना टोटल रस्ते सिग्नल फ्री करण्याची आपली इच्छा, तर सिग्नल फ्री करताना या ठिकाणी हा जो रस्ता जाणार आहे मुलुंड बोगद्यात पारशिकच्या बोगद्यातून जाणारा रस्ता याची उंची जर का त्या ठिकाणी जर कमी झाली तर तो आपल्या त्या सिग्नल फ्री रस्त्याला तिथे जो आपल्याला ब्रिज बनवायला येईल त्याला त्रासदायक होणार आहे. म्हणून मी आता माननीय आयुक्त बांगर साहेबांसुद्धा बोललो, या दोन्हीबाबत तुम्हीसुद्धा MMRDAच्या लोकांच्याबरोबर संपर्क ठेवा आणि मी त्या बाबतीतसुद्धा सांगतो या बाबतीमध्ये सुद्धा जर का सिग्नल फ्री रस्त्याची तरतूद झाली नाही तरीसुद्धा हे काम एक महिन्यानंतर मी बंद करण्यासाठी स्वतः येईन. त्याचे परिणाम शांतता महात्मा गांधींनी दिलेल्या एकूण मार्गानुसारच ते काम होईल, शांततेच्या मार्गाने ते सत्याग्रह होईल, परंतु ते काम आम्ही बंद करू.